कैसे हो? और भाई लोग कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास। तो गाइस, आज मैं फिर से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ MIUI 12 के टॉप 5 सिम। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी फर्स्ट सिम है वो अप्लाई हो चुकी है एंड इसका होम स्क्रीन का UI जो इंटरफेस है आपको कुछ है, मतलब एकदम डार्क में देखने के लिए मिलता है एक वॉलपेपर। एंड अगर बात की जाए इसकी नेविगेशन बटन की, तो ये आपको फुल चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। और गाइस, यहाँ पे डायलर ऐप की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको डायलर ऐप एकदम से चेंजेस देखने के लिए मिलता है, और सेम टू सेम मैसेजेस ऐप भी आपको चेंजेस देखने के लिए मिलता है। और गाइस, इसमें बहुत सारे आपको चेंजेस देखने के लिए मिल जाता है एक थीम में। और इसमें जो हाईलाइट फीचर लगता है दोस्तों, वो है इसका जो नोटिफिकेशन पैनल है, लेकिन इसमें आपको लॉक की स्क्रीन में ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करते हैं इसकी नोटिफिकेशन पैनल की, तो आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी कूल सा लग रहा है एंड काफ़ी क्लीन लग रहा है। और ऐसे थीम को आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो ये नोटिफिकेशन पैनल आप एकदम से देख पा रहे होंगे कि कस्टमाइज करके भी रख पाओगे तो काफ़ी कूल लगेगा। और गाइस, यहाँ पे सेटिंग्स ऐप की बात की जाए तो यहाँ पे सेटिंग्स ऐप में भी चेंजेस लाई गई है। तो ये ओवरऑल थीम काफ़ी पसंद आया है और इसमें सारी चीज़ यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं, तो काफ़ी अच्छी है। तो फटाफट से इस थीम का नेम की बात कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं जितने भी थीम को यूज करता हूँ गाइस, सारे थीम स्टोर से ही करता हूँ। लेकिन आप लोग कहते हो कि थीम स्टोर्स में नहीं मिल रहा है, तो गाइस ये थीम स्टोर में आसानी से आपको अवेलेबल देखने के लिए मिल जाएगा। सो अब बात करते हैं हमारे लिस्ट के सेकेंड थीम की, जिसका होम स्क्रीन का UI आपको एंड इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें आप को जो क्लॉक का विजिट है, यहाँ पे आपको एक एनिमेशन के साथ देखने के लिए मिलता है, काफी अच्छी लगती है एक एनिमेशन के साथ। और गाइस, यहाँ पे डायलर ऐप की बात की जाए तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत iOS से इंस्पायर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे काफी ही ज्यादा क्लीन सा डायलर ऐप आपको देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस, यहाँ पे जैसे कि मैसेजेस ऐप की बात की जाए तो यहाँ पे मैसेजेस ऐप भी आपको सेम टू सेम देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे जो UI है इसका काफ़ी अच्छा लगता है। और इसका जो नोटिफिकेशन पैनल है आपको डिफ़ॉल्ट की तरह देखने के लिए मिल जाता है, ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं है, लेकिन क्लीन एक UI यहाँ पे आपको ये थीम प्रोवाइड कर देता है। और गाइस, यहाँ पे जो इसका एनिमेशन क्लॉक में है काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड हाईलाइट फीचर है। और लॉक स्क्रीन में भी आपको काफ़ी हद तक के चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप, टेलीग्राम एंड यहाँ पे कैमरा, फ़ोन, ये सारे आपको शॉर्टकट, म्यूजिक प्लेयर भी आप शॉर्टकट में गैलरी वगैरह एक्सेस कर पाओगे वन क्लिक में। एंड यहाँ पे राइट स्लाइड करके और भी शॉर्टकट कंट्रोलर दिया गया है, फेसबुक भी आप यूज कर पाओगे। सो गाइस, ये थीम में आपको लॉक स्क्रीन में काफ़ी हद तक यहाँ पे चेंजेस देखने के लिए मिलता है। सो मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आता है इसकी लॉक स्क्रीन। बाकी आपको कैसा लगा हमें एक बार कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और गाइस, फटाफट से इस थीम की नेम की बात कर लेते हैं, तो आपको इस थीम का नेम डिस्प्ले पर भी मिल जाएगा, जिस थीम का नाम है प्रोजेक्ट वन। ये थीम स्टोर में आसानी से अवेलेबल देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस, अब बात करते हैं हमारे लिस्ट के थर्ड थीम की, जिसका होम स्क्रीन का UI जो है आपको एकदम क्लीन सा देखने के लिए मिल जाएगा। और इसकी डायलर ऐप की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एकदम से चेंजेस देखने के लिए मिलता है, और मैसेजेस ऐप आपको सेम टू सेम डायलर ऐप की तरह ही देखने के लिए मिल जाएगा। और गाइस, यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन आपको देखने के लिए मिलता है काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक एनिमेशन के साथ, यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन एनिमेटेड देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एनिमेशन है। एंड यहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड जो भी कैमरा, जो प्लेयर, म्यूजिक प्लेयर है, ये आपको वन क्लिक में एक्सेस कर पाओगे। एंड बैटरी का जो परसेंटेज है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन पैनल की बात की जाए तो यहाँ पे एकदम डिफरेंट सा आपको नोटिफिकेशन पैनल देखने के लिए मिल जाएगा। और सेटिंग्स ऐप यहाँ पे आपको एकदम डिफरेंट डिफरेंट कलर में एंड प्रीसेट के साथ देखने के लिए मिल जाएगा। सो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बढ़िया सा इसका शैडो एंड ऑप्शन के साथ यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो एक बार इस थीम को भी ट्राई जरूर करिएगा आप। फटाफट से इस थीम का नेम आपको बता देते हैं। सो इस थीम का नेम आपको डिस्प्ले पे भी मिल जाएगा। सो इस थीम का नेम है ऑरेंज ड्यूओ, और ये आपको आसानी से थीम स्टोर में अवेलेबल देखने के लिए मिल जाएगा। सो इसमें जो लॉक स्क्रीन था काफ़ी इंटरेस्टिंग हमें लगा। सो अब बात करते हैं हमारे लिस्ट के फोर्थ थीम की, जिसका होम स्क्रीन का UI एंड इसका जो आइकन पैक्स में एनिमेशन है काफ़ी अच्छी लगती है एंड काफ़ी हद तक के अच्छी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसका UI का एनिमेशन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो अब बात करते हैं इसकी डायलर ऐप, तो डायलर ऐप बेसिकली दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं है। सो एक काफ़ी क्लीन सा एंड कूल सा देखने में लगता है। और मैसेजेस
व्हाट्सएप की बात की जाए तो सेम टू सेम आपको देखने के लिए मिल जाएगा और इसमें भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। लेकिन नेविगेशन बटन की बात की जाए तो आपको MIUI 8 की तरह देखने के लिए मिल जाएगा और नोटिफिकेशन पैनल आपको यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया है। लेकिन गाइस यहाँ पे जो नेटवर्क का बैटरी एंड सिग्नल देखने के लिए मिलता है यहाँ पे आपको फुल चेंजेस देखने के लिए मिलेगा एंड कलर में भी देखने के लिए मिल जाता है। सो इसका जो नेविगेशन बटन है काफ़ी अच्छा है, होम स्क्रीन का UI भी काफ़ी अच्छा है। सो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और सेटिंग्स ऐप भी थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लॉक स्क्रीन की तो लॉक स्क्रीन में चार्जिंग एनिमेशन एंड यहाँ पे आपको डिफरेंट लॉक स्क्रीन देखने के लिए मिल जाता है। जैसे एलवेज ऑन डिस्प्ले की तरह यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि चार्जिंग एनिमेशन इसमें काफ़ी हद तक के इम्प्रूव किया गया है और काफ़ी डिफरेंट है। और यहाँ पे आप म्यूजिक भी वन क्लिक में एक्सेस कर पाओगे एंड जैसे ही हम म्यूजिक का प्लेयर हाइड करते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से एक एनिमेशन के साथ हो जाता है। और यहाँ पे आपको एक कैमरा देखने के लिए मिलता है एंड यहाँ पे आपको जैसे ही टैप करोगे बीच में तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पे आपको कस्टमाइज का एक ऑप्शन भी मिलता है जो कि आप कस्टमाइज कर पाओगे। वहाँ पे आपको सेटिंग्स देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे आप कस्टमाइज कर पाओगे। बाकी इसका जो लॉक स्क्रीन है ओवरऑल ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड लॉक स्क्रीन में आप इसे थीम को कस्टमाइज करके यूज कर पाओगे। सो बेसिकली ये भी थीम काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पे राइट स्लाइड करते हैं तो इसमें भी कुछ शॉर्टकट एप्लीकेशन जो है देखने के लिए मिल जाता है, डायलर ऐप, मैसेजेस वगैरह जो है यहाँ पे हम एक्सेस कर पाओगे। तो गाइस यहाँ पे जो ओवरऑल थीम थी काफ़ी अच्छी लगी हमें, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। और गाइस ये सारे थीम आपको थीम स्टोर में आसानी से अवेलेबल देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही आप सर्च करोगे ये आपको फर्स्ट पे ही देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस अब मैं अपने लिस्ट के 5 थीम को अप्लाई कर चुका हूँ, यानी लास्ट थीम, ये हमारा लास्ट थीम है जिसमें आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं देखने के लिए मिल जाएगा। जैसा कि मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर आप एक कस्टमाइज करके थीम रखना चाह रहे हो तो इसमें जो मेन चीज़ है इसका है आइकन पैक। अगर आपको आइकन पैक्स के लिए एक थीम चाहिए तो आप इसको रख सकते हो। बाकी इसमें नेविगेशन बटन एंड नोटिफिकेशन पैनल आपको पूरी तरीके से चेंजेस देखने के लिए मिल जाता है। एंड अगर हम बात करते हैं इसकी जो आइकन पैक्स की तो काफ़ी अच्छी सी एक कलरफुल में देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी लॉक स्क्रीन और डायलर ऐप एंड मैसेजेस ऐप, तो यहाँ पे आप डायलर ऐप देख पा रहे होंगे कि एक ही वॉलपेपर को यूज किया गया है और मैसेजेस ऐप भी आपको एक ही वॉलपेपर में देखने के लिए मिल जाता है। सो उतना ही अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेटिंग्स ऐप की तो ये भी आपको सेम टू सेम देखने के लिए मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पे लॉक स्क्रीन की बात की जाए तो बेसिकली यहाँ पे एक लाइव वॉलपेपर है जो कि लॉक स्क्रीन में यूज किया गया है। लेकिन गाइस अगर आप एक कस्टमाइज करके आइकन पैक्स के लिए थीम खोज रहे थे तो ये आपके लिए परफेक्ट है। आइकन पैक्स की इसकी काफ़ी अच्छी लगी हमें एंड काफ़ी कूल सा बनाया गया है, एक कलरफुल में बनाया गया है। सो बस इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आई हो वीडियो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। और आपका छोटा भाई का एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।